हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कटियार एंड दिस इज अवर श्रीवास्तव। तो आज हम लोग आपको पांच ऐसे रीजन बताने वाले हैं जिससे कि आप लोग शायद रॉड ब्रेन ना लेना चाहे ये पांच रीजन सुनने के बाद। तो हम लोग अपना फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये डॉग्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ये किसी पे भी हमला कर सकते हैं, ओनर्स पे हमला नहीं करते हैं क्योंकि ये लॉयल डॉग्स होते हैं। ये एज अ गार्ड यूज़ किए जाते हैं। तो ये कोई भी नया बंदा आएगा तो उससे ज़्यादा जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। तो ये किसी भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी बंदे को अटैक कर सकते हैं। तो शायद ये आपके लिए प्लस पॉइंट ना हो। अगर आप इसको गार्ड के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, पर अगर आप इसको फैमिली में रखना चाहते हैं तो आपके फैमिली से तो अवेयर रहेगा, पर कोई नया बंदा आएगा तो उस पर लोग एग्रेसिव हो सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि इन लोग की इंटेलिजेंसी, ये उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन ये लोग घर के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आप लोग को इनको अच्छी ट्रेनिंग देनी है और बाहर पॉटी वॉटी करानी है तो ये उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, घर पे ही शायद कभी कभी हो जाता। जैसे कि ये लैब्राडोर रिट्रीवर के जैसे हम लोगों ने आपको बताया, तो वो होल्ड करके रखती है तो जब तक उसको बाहर नहीं ले जाएगा तब तक तो वो पॉटी नहीं करती है। पर ये इसका क्या है, सीज़र का क्या है कि अगर आप इसको बाहर नहीं ले जाओगे तो वो घर पे ही कर दे, ज़्यादा देर नहीं, मतलब कि इसको ये अपने आप इसको सेल्फ कंट्रोल नहीं अपने ऊपर। तो जो हम लोग का थर्ड पॉइंट है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। जैसे कि आप अब एक रिलेशनशिप में हो तो एक पार्टनर डोमिनेटिंग होता है, एक पार्टनर नहीं होता है तो ही आपकी पार्टनरशिप बन पाती है। तो ये डॉग्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, आपको इनको ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ये इनकी खुद की पर्सनैलिटी होती है, ये आपकी बात मान भी सकते हैं और नहीं मान सकते, ये इनकी मर्जी पर होता है। तो अगर आप डोमिनेटिंग नेचर, अगर आप इनको ओवरकम नहीं कर पाओगे, इनके डोमिनेशन को ओवरकम नहीं कर पाओगे तो आप इनको हैंडल नहीं कर पाओगे, ये अपनी मर्जी से चलेंगे तो इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे देखना है, अपनी पर्सनैलिटी पे कैसे सूट होता है, क्योंकि इन डॉग्स की गलती नहीं होगी। अगर आप इन लोगों को नहीं केयर कर पाओगे, अगर या किसी को दूसरे को काट लेते हैं तो गलती आपकी होगी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि आप डोमिनेटिंग हो, आप उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो फोर्थ पॉइंट है, ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर डॉग होते हैं। तो जैसे कि कोई स्किनी बंदा इन लोग को वॉक पे लेके जाना चाहे तो ये लोग आपको खींचेंगे, आप इन लोग को नहीं खींचेंगे। और कोई गर्ल इन लोग को अगर वॉक पे ले जाना चाहे तो वो नहीं ले जा पाएगी। और ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो वॉक पे अगर आप जाएंगे तो ये आपको ही खींचते रहेंगे। और आप अगर इन लोग को हैंडल करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ताकत चाहिए होगी इन लोग को हैंडल करने के लिए, और इन लोग को हैंडल करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है आप लोग को। तो आप लोग को सोचना पड़ेगा इन लोग को अडॉप्ट करने से पहले कि आप लोग इन लोग को हैंडल कर पाएंगे या नहीं। फर्स्ट पॉइंट है वो इनकी बात आती है स्टेबिलिटी, और एक जगह बैठने की बात आती है। ये लोग एक जगह बैठ ही नहीं सकते। आप देख रहे हो कि जो हम लोग की विनी है, लैब्राडोर है, वो एक जगह बैठी रही, ये नाची रही है तब से। हम लोग की वीडियो बनाते समय इतना पॉज हम लोगों ने लिया है कि आप लोग सोच नहीं सकते। अगर आपकी जॉब 8 to 5 है तो आपके लिए डॉग है ही नहीं, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। आप समझ नहीं सकते कि इन लोग को एक दिन में इतना ज़्यादा एक्टिव डॉग है ना ये लोग कि बैठ ही नहीं सकते एक जगह। और आप लोगों को देखा जाएगा कि आप घर पे आपका सब कुछ ख़राब कर देंगे। अगर आप लोग गए हो बाहर तो आप इन लोग घर पे छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये रुकी नहीं है, मैं इसके लीश पकड़े हुआ हूँ तब से कि ये कहीं जाए ना। इन लोग ज़्यादा इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, कहीं इधर भागेंगे उधर भागेंगे, कहीं इधर देखेंगे इसको उधर देखेंगे, कभी किसी पर अटैक कर देंगे। अगर आपकी छिपकली भी आ गई ना, लिजार्ड आ गई इसको बोलते हैं, तो उस पर भी अटैक कर देंगे ये लोग। तो आप लोग इसको बाय करने से पहले सोचिए। पर हर बंदे की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। मुझको ये बहुत पसंद है और सबका अपना नेचर होता है। तो आप अपने हिसाब से डॉग सुनिए कि किसी को छोटे डॉग्स अच्छे लगते हैं, किसी को बड़े डॉग्स अच्छे लगते हैं। तो ये लोग बहुत सारे लोग इनको ओन करते हैं गार्ड के पर्पस से, तो एज अ गार्ड ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इस वीडियो से रिलेट किया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओवर एंड आउट, प्लीज़।